Hey guys, welcome to my channel. मेरा नाम राजीव दे है. Well, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं कैमरे के सामने आपसे बात कर रहा हूँ. अभी तक आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे उनमें सिर्फ आपने मेरे पेंटिंग्स ही देखे होंगे. लेकिन अभी से मेरे वीडियोस में आपसे पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है कॉन्टेम्पोररी आर्ट एंड मॉडर्न आर्ट. बहुत सारे आदमी लोग का ये मानना है कि कॉन्टेम्पोररी आर्ट एंड जो मॉडर्न आर्ट वो होता है वो प्रेजेंट से ही रिलेटेड होता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है. मॉडर्न आर्ट इज़ टोटली डिफरेंट एंड कॉन्टेम्पोररी आर्ट टोटली डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल. जो मॉडर्न आर्ट है वो पहले के टाइम में, हिस्टोरिकल टाइम में, जैसे कि 1860 से लेके 1960 से ले तक उनके बीच में जितने भी पेंटिंग्स आए हैं वो सब मॉडर्न आर्ट कहा जाता है. उसके बाद जैसे कि 1960s और 1970 से लेके जितने भी पेंटिंग्स आए हैं वो सब कॉन्टेम्पोररी आर्ट कहा जाता है. में एक्सपेरिमेंट हुआ है ड्राइंग के साथ, पेंटिंग्स के साथ और स्कल्पचर के साथ. और कॉन्टेम्पोररी आर्ट वो कहा गया है जिसमें प्रेजेंट से रिलेटेड आर्ट से एक्सपेरिमेंट किया गया है, जैसे कि वीडियो आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट, एक्सपेरिमेंटल आर्ट, विजुअल आर्ट और आप कह भी सकते हैं एनिमेशन. अभी के टाइम में कॉन्टेम्पोररी आर्ट ही चल रहा है. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि मॉडर्न आर्ट और कॉन्टेम्पोररी आर्ट के अंदर डिफरेंसेस क्या है. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए सबके साथ. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.